हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे यही मैं दुआ करती हूँ। और बीजे आशा चैनल ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। तो आज देखिए, हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर और मैं हूँ, मेरे साथ ये राय जी हैं, आप लोग देख लीजिए। और जा रहे हैं, जाना तो है, हम अपने जिले में जा रहे हैं, सासाराम जा रहे हैं। वहाँ मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं जा रही हूँ। तो रास्ते में थोड़ा बहुत जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं क्लिप बनाते जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, बस पर हम लोग बैठ चुके हैं और ये बाहर का सारा दृश्य है। बस पर बैठे ही मैं ये सब वीडियो ले रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। और ये जो है बस के अंदर सब सवारियाँ हैं, इधर बाहर का दृश्य है, काफ़ी खूबसूरत है बाहर का दृश्य। सुबह सुबह का समय है और ठंड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड एकदम कड़कड़ा कर है। मैंने भी साल स्वेटर सब पहन कर ओढ़ कर ही गई हूँ। और इस मौसम में तो बहुत कम ही निकलना चाहिए घर से, इतने ज़्यादा ठंड है तो। लेकिन मुझे काम है, जाना ज़रूरी था, इस वजह से मैं घर से निकल गई हूँ। और मैं जा रही हूँ फ्रेंड, स्वामी शिवानंद कॉलेज विश्वविद्यालय है जो अभी नया बना हुआ है। करीब दो 3 साल हो गया है इस कॉलेज का उद्घाटन किया हुआ, तो मैं उसी कॉलेज में जा रही हूँ। मेरे बच्चे का एग्जाम सेंटर इसी कॉलेज में पड़ा था, जो उसका कॉपी पेंडिंग में चला गया है, तो इसी विषय में जा रही हूँ। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ सासाराम, आप लोग देख रहे हैं। बस से उतर कर अब मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और यहाँ देखिए, आ गई मैं स्वामी शिवानंद जी के कॉलेज में। और ये कॉलेज इन्हीं स्वामी जी के नाम पर पड़ा है। और देखिए ये कॉलेज कितना बड़ा है, और अभी इसमें काम चालू है। और थोड़ा बहुत जो जो बन रहे हैं रूम, ये सब आप लोग देख रहे हैं। और काफ़ी बड़ा ये फील्ड भी है, स्टाफ सब कुछ आ रहे हैं, कुछ अभी आने वाले। हाँ तो गाइस, यहाँ देखिए मैं आई हूँ स्वामी विवे शिवानंद जी के विद्यालय में। ये विश्वविद्यालय है और यहाँ मैं आई हूँ। मेरे बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग में, कॉपी पेंडिंग में डाल दिए हैं, तो वही ओपनिंग करवाने आई हूँ। और देखिए क्या होता है, तो चलिए मैं इस कॉलेज को आप लोग को दिखलाती हूँ कि कैसा कॉलेज है। तो यहाँ देखिए, ये है स्वामी शिवानंद महाविद्यालय, और इसी कॉलेज में आई हूँ। और आप लोग चलिए मेरे साथ कॉलेज को मैं दिखलाती हूँ। तो ये देखिए, कॉलेज थोड़ा रोड से हटके है, मतलब शांत एरिया है। रोड तो उधर है, लेकिन है एरिया शांत। यहाँ का माहौल आप लोग देख ही रहे, एकदम चारों तरफ शांत है। और ये है कॉलेज, कॉलेज में अभी कुछ काम चल रहा है, तो अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और बच्चे सब कोई मूल प्रमाण पत्र लेने आए हैं, कोई कुछ लेने आए हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं, ये स्वामी शिवानंद जी की मूर्तियां हैं और इन्हीं के नाम पर इस विद्यालय का नाम रखा गया है, स्वामी शिवानंद महाविद्यालय। तो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ कॉलेज में आ चुकी हूँ, इधर देखिए सारा स्टाफ बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड, कॉलेज का जो काम था वो मेरा क्लियर हो गया। मोनो ये सब जो मुझे लेना था वो मैं ले ली, और अब मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है। तो वो किसी दिन, जहाँ मेरा बच्चा जिस कॉलेज में स्टडी करता है, वहाँ ये जो इन लोगों ने कुछ मोनो मुझे दिए हैं वो ले जाकर जमा करूँगी, वहाँ से एप्लीकेशन लूँगी, तब मैं फिर यूनिवर्सिटी में जाऊँगी। और इसके बाद फ्रेंड, मैंने कॉलेज का काम सारा समेट ली हूँ। और यहाँ देखिए, पास में ही बगल में मंदिर है, ये काली माँ की विशाल मंदिर है। तो मैं सोची कि यहाँ भी कुछ छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। तो ये देखिए, काली माँ की बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर है, काफी खूबसूरत है माँ की मंदिर। और काफी पुराना ये मंदिर है फ्रेंड, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। और जागृति मंदिर जो कहलाते हैं, यहाँ जो आते हैं अपनी कामनाएं इच्छाएं लेकर, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाते हैं। तो ये देखिए, मंदिर तो काफी खूबसूरत है और बड़ा भी है, आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए।
बहुत बड़ी मंदिर है माता रानी की। हाँ तो फ्रेंड, यहाँ देखिए माता रानी के दर्शन के बाद अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग पैदल ही निकल रहे हैं ताकि कुछ कुछ वीडियो बनाते जाएं और आप लोगों को दिखलाते जाएं। तो पैदल चलने चलते चलते देखिए हम लोगों ने जो वीडियो शूट किए इतने में हमारे ये राय जी के चप्पल टूट गए। और चप्पल टूटने के बाद फ्रेंड पास में मंदिर है तो कहीं हम लोग जूते नहीं खरीद सकते थे, लेकिन यहाँ देखे उन्होंने पास में मंदिर के पास थोड़े हट के ये मोची देखे तो चप्पल को सिलवाएं। और सिलवाने के बाद जब चप्पल ठीक ठाक हो गए तब हम लोग फ्रेंड यहाँ से अब हम लोग जाएंगे सिरसा के रोजा के मंदिर। इस मंदिर ने रोजा देखने के लिए जो काफ़ी मशहूर है, इस रोजे को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, विदेश से भी आते हैं देखने के लिए। और काफ़ी विशाल ये रोजा है फ्रेंड, मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी ज़रूर इसका वीडियो। और ये देखिए अब चप्पल तो सिला गए और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं वहीं शेरशाह के रोजा देखने के लिए। ये उनके आसपास के एरिया हैं और काफ़ी देखिए उन्होंने कितने बड़े बड़े किले खड़े किए हैं, आप लोग देख लीजिए। और ये देखिए शेरशाह रोजा के बाहर के ये बाउंड्री हैं और मैं बाहर से दिखा रही हूँ कि उनका ऐसा दिखता है। और चारों तरफ से पानी है, बीच में उनके रोजा खड़ा किया गया है और काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ हम लोग अब इंट्री करने वाले हैं, देखिए ये इंट्री कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो अभी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और दूसरे दिन अगले दिन शेरशाह के रोजा में आप लोगों को घुमाऊँगी, तो आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक।